मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह हो चुकी है और काफ़ी अच्छा मौसम है और देखो यार काफ़ी अच्छा नज़ारा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पानी में डाई और अपने आप को रिफ्रेश करेंगे। डाई लगाकर ये अच्छी नहीं लगी, इसमें मज़ा इतना नहीं आया जितना कि यार ऊपर से डाई मारने में मज़ा आता है। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे और एक बार फिर से हम डाई लगाएंगे, इसमें इतना खास मज़ा नहीं। ये देखो हमारी जंप, लेकिन यार इसमें भी मज़ा नहीं आया, ये भी कुछ खास नहीं लगाई हमें। जंप सीधा गया दीवार के अंदर, मेरा सिर फूट गया लेकिन मज़ा नहीं आया इसके अंदर नहीं। अब देखो मैं बिल्कुल ऊपर जाऊंगा, ऊपर बिल्कुल ऊपर तो नहीं, मतलब इसके ऊपर जाऊंगा और यहाँ से मैं डाई लगाऊंगा और दिखाऊंगा कि डाई किस प्रकार की थी। ये हुई झपाक छपाक नपाक लपाक, तो ये हुई तरंगी परंगी चरंगी डाई जो हमने काफी जबरदस्त लगाई। और शिनचैन कहाँ है तू यार? ओए ये क्या हुआ यार, शिनचैन कहाँ पर है? बार को क्या पता? अरे तू तो उसके साथ रहता है, तेरे साथ सोता है, तेरे साथ खेलता है और तू ही बोल रहा है बार को क्या पता। भाई तूने देखा तो था ना? हाँ देखा तो था, लेकिन रात को तेरे साथ सोने आया था। मेरे साथ कहाँ सोने आया था भाई? मैं अकेला सो रहा था पूरी रात, कोई मेरे पास नहीं आया। अगर कोई भी जैसे ही कोई मेरे को टच करता है मेरी नींद खुल जाती है, और तू बोल रहा है कि रात को मेरे पास आया था सोने? हाँ वो मैंने देखा था, वो तेरे पास आया था। नहीं 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 बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, मेरे पास कोई आया ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्या बात कर रहा तू, लगता नींदों में अभी भी। अरे नींदों में नहीं हूँ मैं, बिल्कुल सुझाग हूँ, बिल्कुल जाग चुका हूँ और दो बार तीन बार पानी में डुबकी भी लगाई है। तू शायद, मुझे लगता है तेरे से गलत फहमी होगी, नहीं यहाँ पे तो नहीं है शिनचैन। आखिर गया कहाँ, गया जा कहाँ सकता? लेकिन यार मुझे तो नहीं 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 ऐसा लगता है कि यार इस क्या नाम है चॉप को कुछ पता नहीं है, इसको लगता है ये शायद नींदों में ये है और मुझे बोल रहा है। मुझे नहीं लगता वो कहीं गया हुआ है, यही होना चाहिए, यही कहीं। शिनचैन कहाँ है तू? शिनचैन यही मुझे लगता है, तू बर्गर पिज्जा खाने तो नहीं चला गया? क्योंकि इसकी आदत है, ये क्या नाम है चॉप और ये दोनों मिलकर बर्गर पिज्जा खाते रहते हैं, सारा दिन भर घूमते रहते हैं। तो उसको वेट कर लेते हैं, अगर वो कहीं गया होगा तो आ जाएगा, उसका वेट करते हैं। वेट करने में क्या जाता है यार, वेट करने में ही फायदा है आज, क्योंकि यार इतनी टाइम से वो गया होगा कहीं घूमने, जा सकता है लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है, तो हमको वेट कर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेट करने में क्या जाता है? तो बाइस हम इतना सारा वेट करने के बाद गाइस अभी तक पूरे 5 घंटे निकल चुके हैं लेकिन शिनचैन आया नहीं है। और मैं जा रहा हूँ बाहर, बाहर क्या पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ उसकी रिपोर्ट लिखवाने, क्योंकि 5 घंटे तक भाई नहीं मिला। लेकिन यार मैं कुछ भूल रहा हूँ, मेरा फ़ोन मैं भूल रहा हूँ और चॉप मेरा फ़ोन यहीं पर रह गया। ओ कलवे तू वापस क्यों आया? ओ कलवे नहीं, वापस मैं इसलिए आया हूँ, मेरा फ़ोन यहाँ रह चुका है, मेरा फ़ोन लेके जाऊंगा, मेरा फ़ोन यहीं रखा था मैंने रात को, यहाँ तो नहीं है फ़ोन। कहाँ गया आखिर, कहाँ गया, कहाँ गया यार, यहाँ रखा? नहीं नहीं यहाँ भी नहीं है, शायद अंदर ड्रॉर में हो सकता है, यहाँ रखा हो, पता नहीं। कई बार चार्ज भी लगा देता हूँ, भूल जाता हूँ मैं यार, यहाँ पर भी नहीं है मेरा फ़ोन। आखिर गया तो गया कहाँ, कौन लेके? लगता है यार शिनचैन भी नहीं है, मेरा फ़ोन भी नहीं है, तो मेरा फ़ोन भी वही लेके गया है यार। वो कलवे ओ क्या चौप यार, तू ध्यान नहीं रखता, शिनचैन मेरा फ़ोन लेके गया है। मुझे क्या पता मैं कोई तरह फ़ोन रखता हूँ, मेरे को क्या फ़ोन से मतलब, मुझे थोड़ी फ़ोन चलाने आता है, तुझे तो फ़ोन चलाने नहीं आता। मैं जा रहा हूँ, तू ध्यान रखियो, अगर पीछे से आया तो मुझे बता दियो। हाँ हाँ बता दूंगा, तू पहले जा तो सही, जा रहा हूँ देख, लेकिन तू ध्यान रखियो, मैं कह रहा हूँ कि उसका जैसे ही फ़ोन वोन आ जाए तो मुझे फ़ोन कर दियो। किसका फ़ोन आ जाएगा? फोन, अरे मेरे कहने का मतलब है मैं रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूँ, अगर मैं पीछे से भाई यहाँ से जा रहा हूँ, पीछे से अगर वो आ जाता है, वो उसका फ़ोन वोन आ जाता है तो तू मुझे बता देना, बस ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है बता दूंगा, तू पहले जा तो सही। हाँ हाँ जा रहा हूँ, चलो गाइस फटाफट से चलते हैं पुलिस स्टेशन, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब हमारा जो शिनचैन है 5 घंटे लगभग 6 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक हमारा शिनचैन वापस नहीं आया है, तो फटाफट से चलते हैं पुलिस स्टेशन, शॉर्ट का रास्ता अपनाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि गाइस हमें हमारा शिनचैन चाहिए। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ कि भाई शिनचैन कहाँ हो सकता है आपके हिसाब से। अगर आपने बता दिया शिनचैन यहाँ है, अगर आपने बता दिया शिनचैन वहाँ है, तो आज हम इसी वक्त जाएंगे, उसको ढूंढ के लेके आएंगे, चाहे दुनिया की कोई सी भी गैंग वैंग वैंग चैंग निंग पैंग आ जाए, आज हम उसको पकड़ के लेके आएंगे। तो भाई पकड़ने से पहले सीधा हम पहले पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं और पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं, लेकिन हमको राइट लेके चलना है। लगता है मैं रास्ता भूल गया हूं, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं, मुझे रास्ता मालूम पड़ जाता है क्योंकि मैं यहां पर रोज आता जाता हूं। तो गाइस हम पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं और फटाफट से चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर और इंस्पेक्टर साहब से लिखवाते रिपोर्ट, ताकि हमारा शिनचैन मिल जाए, क्योंकि हमें शिनचैन की बहुत चिंता हो रही है। क्या आपको चिंता नहीं हो रही? अगर आप चिंता कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, और ज़्यादा चिंता कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर करो, और कम चिंता कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सर 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 सर, हाँ बोलो क्या काम है? सर मेरे सर हमारा शिनचैन छोटा बच्चा है वो गुम हो गया।
कब गुम हो गया? सर आज सुबह से वो गायब है। कैसे गायब हो गया? सर पता नहीं सर, मैं तो हम रात को सब सोए थे और वो चौक के साथ हमारा डोगी उसके साथ सोया था और वो सो गया और सुबह जब उठा तो पता नहीं चला, वो दिखाई नहीं। अच्छा कितना टाइम हो गया? सर लगभग 6 घंटे हो चुके सर, 6 घंटे हो चुके। कितने उसके क्या नाम है उसका? सर शिंचन मार्तुंडा, शिंचन मार्तुंडा। चल ठीक है, लिख दी तेरी रिपोर्ट। उम्र बता उसकी? सर 10 साल। ठीक है बच्चा है? हाँ सर बच्चा ही है। चलो ठीक है, और तुम क्या करते हो? सर मैं तो गाड़ी चलावांगा और जट्टा भट्टंगा करांगा। क्या वाला? सर मेरा कहने का मतलब मैं तो सर कुछ भी छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। चल ठीक है, चल ठीक है, तेरी रिपोर्ट लिख दिए जा। सर रिपोर्ट तो सर इसमें लिखते ना सर, डायरी के अंदर। आप कैसे लिख ली सर मुझे बताओ? देखो बोला ना, रिपोर्ट आजकल मोबाइल के अंदर ऑनलाइन लिखी जाती है, डिस्टर्ब नहीं करने का। तुम्हारी रिपोर्ट लिख दी जाएगी, कार्रवाई चालू हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है सर, कार्रवाई तो चालू होगी, एक बार देख सकता हूँ? नहीं। क्यों सर, तो क्या पुलिस है? नहीं सर। तो फिर चल ठीक है सर, पर मिल तो जाएगा ना मेरा छोटा भाई? मिल जाएगा मिल जाएगा। चलो जाओ, हमको मेरा काम कर दो। पक्का मिल जाएगा? हाँ हाँ मिल जाएगा। चलो ठीक ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो गाइस हमने रिपोर्ट करा दी है और मैं आ चुका हूँ घर पर, और मैं अपने फ़ोन को ढूंढूँ एक बार फिर से, क्या पता इसी घर के अंदर कहीं रख के भूल गया हूँ। अगर मुझे मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन पहले मैं कहाँ जाऊँ? चले मैं नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। चलो ठीक, पहले चौक के पास जाता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होने का है। और सीधा हम छलांग लगा के चौक में आ गया। कलवा, अरे कलवा तू आ गया? अरे मैं तो आ गया हूँ चौक। तू शिनचैन का कुछ फ़ोन वोन कहीं आया? फ़ोन क्या तेरा पप्पा रख गया? ओए पप्पा के सामने नहीं जाने का? अरे तू बोल तो, बात तो ऐसे कर रहा है तेरा। देखो बताया ना फोन तेरा कहाँ है? अरे यार फोन तो है ही नहीं। तो यार गाइस क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि फोन लेके आना ही पड़ेगा। हाँ फोन लेके आ। और तू छलांग, अरे क्या कर रहा है तू, पानी में छलांग ऐसे कैसे लगा रहा है? अरे यार अपने आप को रिफ्रेशमेंट कर रहा हूँ। रिफ्रेशन बाद में करियो, पहले फोन लेके आ। ठीक है फोन लेके आता हूँ। शिनचैन का कुछ मतलब तार वार कुछ ऐसे कुछ आया? अरे तू क्या मजाक कर रहा है मेरे सामने? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, तेरे से पूछ रहा हूँ कि शिनचैन आया क्या? शिनचैन आया तो मैं तेरे को बताता नहीं। चल ठीक है चलो गाइस फटाफट से चलते हैं। और सबसे पहले अपन मोबाइल लेते हैं, क्योंकि मोबाइल होगा तो हमको शिनचैन का पता लग जाएगा। उसको हम कॉल करके पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पे। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं, हम मोबाइल खरीदते हैं, आओ। तो फटाफट से हम मोबाइल ले लिया है हमने, और देखो भाई भैया बढ़िया नया iPhone 14 मोबाइल ले लिया है, जो कि यहाँ पर कुछ और ही नाम बता रहा है आपको स्क्रीन पर, उससे मतलब नहीं। लेकिन हमारे पास iPhone 14 है, जो हम यहाँ पर। ओ भाई देख के चल भाई, तेनू देखना नहीं है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं लेस्टर के घर पे, क्योंकि लेस्टर ही है जो अब हमारी मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है? कि यदि शिनचैन के पास वो फ़ोन है तो शिनचैन की फ़ोन की लोकेशन पता लगाकर लेस्टर हमको बताएगा और हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हम आ चुके हैं लेस्टर के घर के अंदर, और लेकिन लेस्टर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो भाई लेस्टर कहाँ है तू? हाँ भाई क्या हुआ? ओ यार तू इतने की कर रही सी? ओए क्यों ना तू, ओ तू मेरे को भूल गया यार? मैं तेरा दोस्त यार, तेरा लंगोटिया यार, बचपन का प्यार, बचपन का यार। हाँ ठीक है। अरे यार तेको पता नहीं शिनचैन सुबह से गायब है, आज पूरा दिन हो चुका है और वो मिल नहीं रहा है, और तू यहाँ पर पीपू आके पड़ा हुआ है। ओए देखो काम क्या है? अरे काम तो बहुत कुछ है, लेकिन तू मेरी सुनेगा नहीं, इसलिए तू छोड़ ही दे। चलो गाइस मैं ही पता कर लेता हूँ लोकेशन ढूंढने। ये तो भाई अब भी मतवाला हो रहा है, पीपुआ के एकदम टल्ली हो रहा है। तो अपन ने पता कर ली है लोकेशन, और अपन को लोकेशन मिल चुकी है। सीधा चलते उस लोकेशन पे जहाँ पे शिनचैन, वहाँ पर चलो शिनचैन क्या वो फ़ोन की लोकेशन हमको मिल चुकी है, और उस फ़ोन के पास हम जा रहे हैं। फटाफट से वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं आखिर मैंने शिनचैन को हाथ कितने लगाया। ये मजदूर का आता है कातिया, लोया पिघला उसके आकार को बदल देता है। तो भाई हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं लोकेशन पे जहाँ पे शिनचैन नहीं, उस फोन की लोकेशन जहाँ पर फोन की लोकेशन दिखा रहा है वहाँ पर हम पहुँच चुके। यहीं कहीं लोकेशन दिखा रहा है। ओ भाई गाइस ये देखो, ये रहा मेरा मोबाइल जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, पुराना वाला जिसकी लोकेशन यहाँ पर है। तो गाइस मेरा फोन अगर यहाँ पर है तो शिनचैन भी यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि मुझे शक है घर के अंदर चोर आकर मोबाइल तो लेगा नहीं, और शिनचैन ले सकता है, वही मेरा मोबाइल ले सकता है, और शायद शिनचैन यहाँ पर मोबाइल छोड़ गया हो, भूल गया हो। तो फटाफट पहले मैं मोबाइल तो ले लेता हूँ, बाकी बाद में देखेंगे क्या करना है। मोबाइल मैंने ले लिया है, एक और लोकेशन जो लास्ट वाली है, यानी कि इससे पहले वाली जो लोकेशन मुझे बता रहा है, इसके पहले वाली लोकेशन सही राइट जो मुझे बता रहा है वो आसपास कहीं है, तो वहाँ पर चलते हैं। आखिर शिनचैन वहाँ पर भी हो सकता है।
तो हम बिना देरी किए हुए वहाँ पर चलते हैं और उस शिनचैन को आज ढूंढेंगे, क्योंकि मेरा भाई तू मेरा भाई है। तो गाइस यहीं कहीं लोकेशन बता रहा है, यहीं आसपास होनी चाहिए और यहीं कहीं होना चाहिए। लेकिन एक सेकंड गाइस, आपने कुछ नोटिस किया राइट साइड में? आपने कुछ नोटिस किया? नहीं, आपने नहीं किया। मैंने नोटिस किया, मैंने देखा, मैंने उसी पुलिस वाले को देखा। उस जिस किस पुलिस वाले को? जिस पुलिस वाले को अपन ने रिपोर्ट लिखाई थी, जो बोल रहा था कि मोबाइल में मैंने तेरी ऑनलाइन रिपोर्ट लिख ली है। तो भाई गाइस पता करते हैं कि वो पुलिस वाला आखिर यहाँ कर क्या रहा है। तो चुपचाप से जाएंगे, सुनेंगे उसकी आवाज़ को और हम पता करेंगे कि आखिर वहाँ पे कर क्या। हाँ भाई, तेरे सेठ जी हैं? सेठ जी नहीं है यहाँ पर। तो क्या काम है? काम है, पता चला है कि एक जो जिस छोटे बच्चे को तुमने किडनैप कर रखा है, उसकी रिपोर्ट कराने एक गधा आया था। उस गधे की मैंने रिपोर्ट लिखी है, लिखी तो नहीं है। हाँ, लिखना भी मत, हमारे सेठ जी को अगर पता चल गया तो तेरी खाल उतर देंगे। हाँ, तभी तो मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी है। सेठ जी को तुम बता देना, अभी है क्या? नहीं अभी नहीं, अभी बाहर गए, तुम भी जाओ। गाइस ये तो यहाँ तो कुछ उलट पुलट चल रहा है यार, अंदर जाने का। यानी मुझे लगता है अगर ये पुलिस वाला यहाँ पर आया है और ये किडनैपिंग की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि शिनचैन हमारा यही होना चाहिए। क्योंकि उस पुलिस वाले ने कहा कि एक गधा आया था रिपोर्ट लिखवाने की, जिसकी तुमने किडनैपिंग की है। तो गाइस यहीं पर ही हमारा शिनचैन होना चाहिए। तो गाइस अगर आप चाहते हो शिनचैन यहीं से निकल आए, तो फटाफट से लाइक करो। हेलो सर, मुझे अंदर जाना है। ए अंदर कहाँ जा रहा है? चल निकल निकल सर, बस ऐसे बुलाया। ए बाहर निकल, तेरे को बोला ना। अरे ठीक है सर, जा रहा हूँ। लाइस यहाँ तो नहीं जा सकते, तो फटाफट से यहाँ निकलते हैं और कोई अल्टरनेट रास्ता ढूंढते हैं अंदर जाने का, क्योंकि यहाँ पर तो अपने बाई बाई बाई। देखो कितना भी नशा चढ़ जाए, लेकिन हम फिर भी उठ खड़े होते हैं। लोग तो पीते हैं गिर जाते हैं, लेकिन मैं पीता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिना पिए चढ़ जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। फटाफट से चलते हैं और शिनचैन को लेके आते हैं बाहर। तो यहाँ से हमें चुपचाप से अंदर जाना है, क्योंकि मैंने देखा था गार्ड जो थे वो बाहर खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है। देखो वो खड़ा हुआ, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अंदर हूँ। तो मुझे यहाँ से जाना तो खिड़की से था, लेकिन यार खिड़की उधर ऊपर चढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ पर हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी हम ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोई अल्टरनेट रास्ता ढूंढ लेंगे। हेलो माली, यहाँ पर किसी को बताना मत कि मैं आया हूँ, क्योंकि तुहका पापा आया है। क्या बात है, चलो भाई यहाँ से अपन अंदर चलते हैं। गाइस 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 गाइस, धीरे, कोई आवाज़ नहीं करेगा। गाइस आप सब चुप रहिएगा, क्योंकि मैडम बलसम्मा यहाँ पर खड़ी होगी। अगर उनको पता चल गया कि मैं आया हूँ, उसकी नज़र उस तरफ है, मेरी नज़र इस उसके ऊपर है, तो फटाफट से मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि मैं अंदर आ चुका हूँ, तो वो मुझे मार डालेगी। इससे पहले कि वो मुझे मार डाले, मुझे चुपचाप से अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर जाके सबसे पहले इसी कमरे में चेक करता हूँ कि मेरा शिनचैन, शिनचैन तू यहाँ पर है? शिनचैन मैं तेरे को ढूंढने आया हूँ। शिनचैन आखिर तू यहाँ पर तो नहीं लगता है मेरे भाई? तू चिंता ना मत कर मेरे भाई, मैं तेरे को ढूंढ लूंगा मेरे भाई। शायद तू इस कमरे में मेरे भाई, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे को ढूंढ निकालूंगा मेरे भाई। यहाँ पर भी नहीं है मेरे भाई, कोई बात नहीं, तेरे को आज तो इस कमरे में ढूंढ लूंगा। अरे ये तो कमरा नहीं है मेरे भाई, तू यहाँ पर नहीं हो सकता मेरे भाई, कितनी गंदगी है मेरे भाई। चलो इस कमरे में ढूंढते हैं, लास्ट कमरा बचा है, नहीं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट कमरा बचा है। इस कमरे इसमें भी नहीं है, अब हमारे पास अंतिम और लास्ट कमरा है। इस कमरे के अंदर जाके अंदर देखते हैं कि हमारा शिनचैन है कि नहीं। तो गाइस दिल थाम के बैठिए, अगर इस कमरे में निकल आया तो आज अपरम तपरम कपरम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। चलो एक सेकेंड, ये तस्वीर किसकी है आखिर? ये तस्वीर देखे तो सही, कौन कौन है इस तस्वीर के अंदर? तो भाई चलो भाई, ये भाई जी कैंडल जला रखी है, ये बुजुर्ग आदमी है, ये एक परिवार है, चार जने, ये दो जने, तो एक ही परिवार की फैमिली लगती है, मतलब एक ही फैमिली की फोटो लगती है ये। इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, अपन को तो अपने शिनचैन से लेना देना है। चलो फटाफट शिनचैन को ढूंढते हैं, यहाँ भी कोई नहीं है। एक सेकेंड, मिल गया शिनचैन मेरे यार, इसको खोलना पड़ेगा, इसको फटाफट से खोल देता हूँ और अपने साथ लेके चलता हूँ। शिनचैन मेरे दोस्त, तू मिल गया, तेरे को कितना ढूंढा, आजा मेरे पीछे पीछे जल्दी से, चुपचाप निकल। अगर उन्होंने अपन को देख लिया तो यहाँ पर मन काट डालेंगे, मार डालेंगे, इसलिए बिना आवाज़ के मेरे पीछे पीछे आजा, कहीं इधर उधर उधर लेफ्ट राइट मत देखना, बस केवल तू मेरे पीछे पीछे चलता जा, क्योंकि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे और भी रुके तो सच कह रहा हूँ कि सब के सब यहाँ पे काट डाले जाएंगे। इसलिए चुपचाप से धीरे धीरे हल्के हल्के पांव, दबे दबे पांव से
बाहर निकल के और फटाफट मेरी गाड़ी में बैठ, यहाँ से निकल क्योंकि अब हमें यहाँ पे नहीं रुकना है। तो गाइस हमने फाइनली शिनचैन को छुड़ा लिया है और हम जा रहे हैं घर पर। शिनचैन तू यहाँ पर पहुँचा कैसे? अरे क्या बताऊँ मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, मैं तो क्या सुबह उठा था और मैंने सोचा कि हाँ भाई मैं आपका मोबाइल पड़ा था, मोबाइल को देखूं और इतने में बाहर आवाज़ आई और मेरे को पता नहीं बोरे वोरे में डालकर यहाँ पे लिया है और मैं यहाँ पर पहुँचूंगा और बाद में पता नहीं चला कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। वो तो सब ठीक है लेकिन अगर तुझे मारा वारा थोड़ी? नहीं मुझे मारा तो बिल्कुल नहीं, हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने, बस मुझे बांध के वहाँ पर रख दिया था और मुझे कुछ होश नहीं था, मैं आया कैसे कुछ पता नहीं है। चल ठीक है, चलो गाइस हम फाइनली यहाँ पर इसको शिनचैन को लेके आ चुके हैं और हमारा जो मिशन है वो पूरा हुआ। हमने ट्रेस किया, लोकेशन ढूंढा पुलिस वाले के पास गए लेकिन उस पुलिस वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, उस पुलिस वाले को हम पकड़ के रहेंगे। उसी की वजह से ये जो गड़बड़ हुई है उसी की वजह से हुई है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक हम चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।